Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 25th March 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. एंड ये 7 वर्ड्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड इज सेडेंट्री. सेडेंट्री मीन्स सिटिंग अलॉट और यू कैन से रिफर्स टू ए पर्सन और जॉब दैट इज नॉट वेरी फिजिकली एक्टिव. मतलब ऐसे पर्सन जो अपना काम एक ही जगह पे बैठ के करता हो या वो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करता हो तो उसे ही कहते हैं सेडेंट्री. जैसे इस पिक में देख लो, ये जो बंदा है ये एक ही जगह पे बैठ के अपने सारा काम करता है. देखो ये काम भी कर रहा है और खा भी रहा है, तो ये सारा काम अपना एक ही जगह पे बैठ के करता है तो इसे कहेंगे सेडेंट्री. एक्चुअली ये वर्ड स्पेशली यूज होता है बर्ड के लिए. जो बर्ड या पक्षी है वो एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते, इधर उधर जाते नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सेडेंट्री या सेडेंट्री बर्ड. तो सेडेंट्री मीन्स डूइंग और इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ सिटिंग और यू कैन से स्टेइंग और लिविंग इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस. हिंदी में से कहेंगे बैठा हुआ, जो बैठा हुआ या गतिहीन. और सेडेंट्री को याद रखने के लिए आप इसको 2 पार्ट में बांट लो, सिट प्लस एंट्री. देखो एस आई डी को क्या मैंने सिट प्लस ई एन है ना, टी ए को हटाओ तो ए आर वाई हो जाएगा, तो होगा सिट प्लस एंट्री. सो जॉब ऑफ ए वॉचमैन इज रिक्वायरिंग लॉट ऑफ सिटिंग. तो जो वॉचमैन होता है वो क्या करता है, एक ही जगह बैठे रहता है और जो आना जाना करते हैं उसका एंट्री करता है कि कौन गया कौन आया, तो उसका एंट्री करता है. तो वो बैठे बैठे क्या करता है, सिट प्लस एंट्री करता है. सो जॉब ऑफ ए वॉचमैन इज रिक्वायरिंग लॉट ऑफ सिटिंग, तो वो क्या होगा, सेडेंट्री. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वोकैबुलरीज वीडियोज इज ए सेडेंट्री जॉब, वो मेरे लिए. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए सेडेंट्री जॉब और ऑक्यूपेशन, जैसे ये कर रहा है. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है सेडेंट्रली, ये एक एडवर्ब एडजेक्टिव है. एंड सेडेंट्री एज ए नाउन है सेडेंट्रीनेस. एंड सेडेंट्री के सिनोनिम्स होंगे इनएक्टिव, आइडल, सीटेड. एंड इसके एंटोनिम्स है एक्टिव, एनर्जेटिक, मोबाइल. ये वो मोबाइल नहीं है जो आप यूज़ करते हो. इस मोबाइल का मतलब तो है, होता है जो यहाँ वहाँ जा सकता है, मूव कर सकता है, इधर उधर जा सकता है, घूम सकता है, उसका मतलब होता है मोबाइल. जैसे आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसे मोबाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप अपने मोबाइल को यहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं, तो यहीं से वर्ड आया मोबाइल. पहले क्या होता था, आप टेलीफोन यूज़ करते थे जो फिक्स रहता था, बट मोबाइल क्या है, यहाँ वहाँ घूम सकता है, जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मोबाइल. एंड नेक्स्ट इज मूविंग. नेक्स्ट वर्ड इज ए मॉक. ए मॉक मीन्स इन ए वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर. मतलब जो अपने आपे से बाहर हो जाए या जो अपने आपे को काबू ना कर पाए, जो वाइल्ड बिहेव करे, जैसे कोई जंगली या जानवर जैसे पागल जैसे कोई बिहेव करता है या वो सब कुछ तबाह करने पे उतारू हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं ए मॉक. जैसे इस पिक में देख लो, ये जो हाथी है ये हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, सब कुछ तबाह करने पे उतारू हो गया है. सब पब्लिक को देख रहे हो ना, पब्लिक को परेशान कर रहा है. आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि हाथी जंगल से बाहर आए, गांव में आके सब कुछ तोड़ रहे हैं, सबका घर बार तोड़ रहे हैं. तो ये क्यों, क्योंकि ये एमॉक हो गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ये आपे से बाहर हो गए, तो इसे ही कहते हैं एमॉक. सो एमॉक मीन्स टू बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड एक्ट इन ए वाइल्ड और डेंजरस मैनर और यू कैन से वाइल्डली विदाउट सेल्फ कंट्रोल. हिंदी में से कहेंगे आपे से बाहर. और एमॉक को याद रखने के लिए अब जो 2 पार्ट नंबर लो, ए प्लस मॉक, ए प्लस मॉक, एमॉक, ए प्लस मॉक. मॉक तो मैंने डील किया है. मॉक मतलब एज ए नाउन भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है. एज ए नाउन जब आप टेस्ट देते हो, ए मॉक टेस्ट आपने दिया होगा ना क्लास 10th 12th या अभी कोई जो प्रैक्टिस होता है, मॉक टेस्ट मॉक एग्जाम होता है ना, वो होता है एज ए नाउन. और एज ए वर्ब जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी का हंसी उड़ाते हो, तो उसको बोलते हैं मॉक, ए प्लस मॉक. इफ समबडी मॉक्स यू, यू विल बी इन रेज.
मतलब जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा, ए प्लस मॉक, तो इफ समबडी मॉक्स यू, तो आपको कोई मजाक उड़ाएगा तो आप क्रोध में आ जाओगे, रेंज में आ जाओ, तो आप क्रोध हो जाओगे, तो क्रोध हो जाओगे तो मतलब जब गुस्सा हो जाओगे तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे तो वो क्या होगा, ए मॉक। बस इसे याद रखने एज्यूम करो, ओके, ऐसा नहीं कि आप बस गुस्सा हो तो आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ ही जैसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, बट इसको याद रखने के, तो आप ए प्लस, आपको कोई मजाक उड़ाया तो आप गुस्सा में आ गए, तो आप गुस्सा में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो वो हो गया ए मॉक। फॉर एग्जाम्पल, द टू डॉग्स रैन ए मॉक इन ए स्कूल प्ले ग्राउंड, एंड इसके रिलेटेड वर्ड है एमक, ये नाउन है, एंड ए मॉक के सिनोनिम्स होंगे रैम्पेज, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है, हेल्टर स्क्लैटर, बैरस्क, वाइल्डली, फ्रिंस्डली, एंड इसके एंटोनिम्स है ऑर्डरली, कामली, प्लेसिडली, माइल्डली। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीगैरियस, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस मीन्स समवन हु इज इंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, और यू कैन से टेंडिंग टू लिव इन ग्रुप्स, मतलब ऐसा पर्सन जो ग्रुप में रहना पसंद करता हो, सबके साथ में रहना पसंद करता हो, एज ए वो सामाजिक प्राणी हो, फ्रेंडली पर्सन हो, तो उसे ही कहते हैं ग्रीगैरियस। अब ऐसा नहीं है कि बस आप और हम ही ग्रीगैरियस या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सबके साथ रहना पसंद करते हैं, कुछ जानवर एनिमल भी साथ में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो उसे ही बोलेंगे ग्रीगैरियस। जैसे हाथी लोग भी, वो लोग झुंड में रहते हैं, वो लोग भी पांच छह को झुंड में रहते हैं, जैसे हमें देखा होगा ना मूवी हाथी मेरे साथ ही, तो उस मूवी क्या था, वो लोग सब साथ में रहते हैं, तो उसे ही बोलेंगे ग्रीगैरियस या ग्रीगैरियस स्पेसिस, मतलब सिंपली जो ग्रुप में रहे, ग्रुप में साथ में रहे, तो उसे बोलेंगे ग्रीगैरियस, वेदर एनिमल्स और पर्सन। सो ग्रीगैरियस मीन्स ऑफ ए पर्सन लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल, और ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप्स, हिंदी में कैसे कहेंगे, झुंड में रहना, जैसे डायलॉग है ना, झुंड में तो कुत्ते आते हैं, तो जो कुत्ते लोग झुंड में भी रहते हैं उसे ही बोलेंगे ग्रीगैरियस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज पॉपुलर एंड ग्रीगैरियस मैन। नेक्स्ट इज ग्रीगैरियस इंसेक्ट्स, जैसे यहाँ देखो ये जो सब लोग है, ये जो ग्रुप में है, फ्रेंडली है, ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे ग्रीगैरियस, एंड इसके रिलेटेड वर्ड है ग्रीगैरियसली, ये एडजेक्टिव है, एंड ग्रीगैरियस एज अ नाउन है ग्रीगैरियसनेस, एंड ग्रीगैरियस के सिनोनिम्स होंगे सोशियबल, कंपेनियलेबल, एफेबल, कॉर्डियल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, एक्सट्रोवर्ट, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे अनफ्रेंडली, इंट्रोवर्ट, अनसोशियबल, एंटी सोशल। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूट्रिड, नेक्स्ट वर्ड इज PUTRID, प्यूट्रिड, प्यूट्रिड मीन्स डिकेड एंड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इट कैन ऑल्सो मीन समथिंग मोरली करप्ट, एविल और बैड, मतलब ऐसा कुछ जो सड़ गया हो और उसमें से बहुत गंदा या बहुत बहुत गंदा बदबू आ रहा हो, तो उसे ही कहते हैं प्यूट्रिड। और एक प्यूट्रिड का मतलब होता है समथिंग मोरली करप्ट और बैड, मतलब जो कुछ बहुत खराब है, गंदा है, बुरा है, तो उसे भी कहते हैं प्यूट्रिड। जैसे ये देखो, ये जो पिक में, जैसे मैंने जो फर्स्ट मीनिंग बताया प्यूट्रिड में, तो जो आपको बहुत गंदा स्मेल आता है, तो जैसे सपोज ये जो चूहा है पाँच छः दिन पहले मर गया, ओके, तो इसमें जो गंदा स्मेल आएगा, बस आप एज्यूम कर लो कि ये पाँच छः दिन पहले मरा, तो गंदा ही स्मेल आएगा ना, तो ये जो गंदा से स्मेल आएगा, जो बहुत ख़राब होगा, ओके, तो उसे ही बोलेंगे प्यूट्रिड। सो प्यूट्रिड मीन्स डिकेड विथ यूजुअली ए वेरी बैड एंड डिसगस्टिंग स्मेल, और यू कैन से वेरी अगली, बैड और अनप्लीजेंट, हिंदी में से कहेंगे सड़ा हुआ या गला हुआ। और प्यूट्रिड को याद रखने के लिए आप सिर्फ टू पार्टें पढ़ लो, प्यूटीपुट प्लस रेड, सो एनीथिंग दैट इज प्यूट्रिड, जो मतलब सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, वी वुड वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो हम उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसको वो रेड से हो गया प्यूट प्लस रेड, तो आप उसे छुटकारा पाना चाहते हो रेड ऑफ इट, तो वो होगा प्यूट्रिड। जैसे ये जो चूहा मर गया, तो छुटकारा इसको फेंक दोगे तो उधर, नहीं फेंकना तो नहीं चाहिए, जहाँ मतलब उसको देखते हो आप जब फेंकते हो तो छोड़ जो भी है। So, for example, the putrid body of dead fox. Next is the putrid atmosphere of the court. And its related word is putridity and putrididness. ये एक noun है. And putrididly, ये adverb है. And putrid के synonyms होंगे decayed, rotten, fall, fetid, spoiled. And its antonyms होंगे fresh, pristine. ये word मैंने discuss किया है. Unspoiled, decomposed.
next word is procrastinate. Next word is procrastinate. Procrastinate means to put off doing something. मतलब जब आप किसी काम को postpone कर देते हो या आप उसे कल पे छोड़ देते हो, मतलब आप उसे कल पे छोड़ या postpone कर देते हो या आप उस काम को टालते रहते हो, तो उसे ही कहते हैं procrastinate. और आप प्रोकास्टिनेट आप इसलिए करते हो क्योंकि आप लेज़ी हो या उस काम को आप करना नहीं चाहते या वो काम आपके लिए डिफ़िकल्ट है, अनप्लीजेंट है, तो उसे ही कहते हैं प्रोकास्टिनेट. सो प्रोकास्टिनेट मीन्स टू कीप डिलेइंग समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑफन बिकॉज इट इज़ अनप्लीजेंट और बोरिंग. और यू कैन से डिले और पोस्टपोन एक्शन. हिंदी में कहेंगे टालना या देर करना. और प्रोकास्टिनेट को याद रखना, जब टू पार्ट पढ़ लो, प्रो प्लस क्रास. ओके, प्रो प्लस क्रास क्या, तो प्रो मीन्स फॉरवर्ड, प्लस क्रास मीन्स टुमोरो. ओके, क्रास टुमोरो, इसको मैंने, ये एक्चुअली रूट वर्ड है तो इसको याद रखो. सो यू लुकिंग फॉरवर्ड टू डू वर्क टुमोरो, तो आप क्या कर रहे हैं कल के, मतलब इसको छोड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा प्रोकास्टिनेट. फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड हर टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड गेट टू वर्क. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है प्रोक्रास्टिनेटिवली, ये एक एडवर्ब है, एंड प्रोक्रास्टिनेटिव ये एक एडजेक्टिव है, एंड नाउन है प्रोक्रास्टिनेशन. एंड प्रोक्रास्टिनेट के सिनोनिम्स होंगे डिले, लॉफ्टिंग, आइडलिंग, डेफर, पोस्टपोन. एंड इसके एंटोनिम्स रैश, हरिंग, हैस्टनिंग. नेक्स्ट वर्ड इज पीडेंट. नेक्स्ट वर्ड इज पीडेंट. पीडेंट मीन्स एन अनोइंग पर्सन who focused on minor details and book knowledge rather than ordinary common sense. मतलब ऐसा person जो आपकी छोटी छोटी बातों पे आपकी छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढता रहता हो, और वो तो उसे ही कहते हैं pedant. Actually वो person बहुत knowledgeable person होता है, but वो practical नहीं होता है. कोई पढ़ाकू होता है, मतलब कोई पढ़ाकू या कोई theoretical person, मतलब जो पढ़ाकू या theoretical person होता है, तो उसे ही कहते हैं पीडेंट. जैसे सपोज आप एग्जांपल समझो, जैसे सपोज कोई पढ़ाकू या कोई किताबी कीड़ा बच्चा. ओके, तो आप जब उससे मिलते हो तो जब आप उससे बात करते हो तो आप जब उससे बात करते हो ना, तो वो आपकी बातों पे ही गलती निकालने लगता है. मतलब आप जब कुछ बात करो तो वो आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक जो होगा उसको आपको मतलब बोले कि ये रॉन्ग है वो रॉन्ग है. तो ऐसा पर्सन क्या है ना, ये बहुत पढ़ाकू होता है, बट ये मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, बट ये सबकी छोटी छोटी गलतियाँ निकालते रहता है, तो इसे ही कहते हैं पीडेंट. सो पीडेंट मीन्स ए पर्सन हु एनॉय अदर पीपल बाय करेक्टिंग स्मॉल एरर्स and giving too much attention to minor details. Or you can say one who make a show of knowledge. मतलब बहुत knowledge show करेगा कि हमें इतना ज्ञानी है, और वो अपना knowledge show करने के चक्कर में दूसरों को खाली गलतियाँ निकालता रहेगा, तो उसे कहेंगे pedant. हिंदी में से कहेंगे अभिमानी मनुष्य. और इसको याद रखेंगे आप, इसको correlate pedantic teacher. Okay, pedant है तो pedantic teacher. तो teachers भी क्या होते हैं, वो भी हमारी गलतियाँ निकालते हैं, बट वो बात अलग है कि वो ज़्यादा मतलब शो ऑफ नॉलेज नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारी गलतियाँ निकालते हैं, तभी ना बेटर होते जाएंगे. तो वो हमारी जो गलतियाँ निकाल छोटी छोटी गलतियाँ निकालेंगे, वो क्या होगा पेडेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दैट सेंटेंस एंड आई डोंट केयर व्हाट ग्रामेटिकल पेडेंट थिंक. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है पेडेंट्री एक नाउन है, एंड पेडेंटिक एक एडजेक्टिव है, एंड पेडेंट के सिनोनिम्स है लिटरेस्ट, लिस्ट, फॉर्मलिस्ट, एब्स्ट्रूस, पॉम्पस. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीटर. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीटर. फ्रीटर मीन्स ए पर्सन हु चूज टू स्पेंड देयर एनर्जी और थिंग दैट आर वेस्टफुल, लाइक फ्रीटर मनी, फ्रीटर टाइम, फ्रीटर एनर्जी, बट वंस यू हैव फ्रीटर इट अवे यू कांट गेट इट बैक. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेस्ट करना, अपना टाइम, एनर्जी, मनी को वेस्ट करना. और ये ऐसा मतलब किसी ट्रिवल मैटर में, ट्रिवल या तुच्छ चीज़ में जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप उसमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो उसे ही कहते हैं फ्रीटर. जैसे इस पर्सन को देख लो, ये जो पर्सन है तो ये गेम खेलने में अपना टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट कर रहा है, तो इसे कहेंगे फ्रीटर. सो फ्रीटर मीन्स वेस्ट टाइम, मनी और एनर्जी ऑन ट्रिवियल मैटर. और कैन से
to waste on unimportant things. हिंदी में कहेंगे व्यर्थ नष्ट करना या गंवाना. और फिल्टर को याद रखेंगे आप जो करो लीटर से, फिल्टर लीटर जैसे हम होता है ना, जैसे आप जो कूड़ा कचरा फेंकते हो, ओके मतलब फेंकते हो, तो उसे बोलते हैं लिटरिंग. तो वहां से करो लीटर, ओके फिल्टर लीटर है ना, साउंड सिमिलर. सो व्हेन वी लिटरिंग फूड वी एक्चुअली वेस्टिंग इट. तो हम जब फूड को खाना को फेंकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका वेस्ट ही ना करते हैं, तो उसको रेट वेस्ट है. ओके व्हेन वी लिटरिंग फूड वी एक्चुअली वेस्टिंग इट. तो हम जो कुछ वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे ये अपना टाइम एनर्जी मनी वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा फिल्टर. फॉर एग्जाम्पल ही फिल्टर्ड अवे हिज मनी. एक्चुअली फिल्टर ये नॉर्मली आप मोस्टली देखोगे अवे के साथ, ओके याद रखना फिल्टर्ड अवे. कहीं आपका ये ग्रामेटिकल में यूज हो जाए, मतलब ग्रामेटिकल सेंटेंस एरर में आपको मिल जाए ये क्वेश्चन, इसलिए फिल्टर्ड अवे के ये अवे के साथ यूज होगा. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है फिल्टर, ये एक नाउन है. एंड फिल्टर के सिनोनिम्स होंगे मिसस्पेंड, स्क्वांटर, आइडल. एंड फिल्टर के एंटोनिम्स है होर्ड, सेफ, स्टोर. एंड सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड 7 वर्ड्स. सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा सेडेंट्री, मतलब जो बैठे अपना सारा काम करता है, सारा काम ना बैठे करता है, तो इसे कहते हैं सेडेंट्री. नेक्स्ट वर्ड हमारा हैमॉक, मतलब जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब सब कुछ तबाह करने पे उतारू हो जाए, उसे कहते हैं हैमॉक, जैसे ये हाथी था. नेक्स्ट वर्ड था हमारा ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस मतलब ऐसा पर्सन जो सबके साथ ग्रुप में रहना पसंद करता हो, तो उसे कहते हैं ग्रीगेरियस. ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, उसे बोले ग्रीगेरियस. नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्यूट्रेड. प्यूट्रेड मतलब ये देखो चूहा, मतलब ऐसा कुछ जिस जो सड़ गया हो, उसे गंदा से स्मेल आ रहा हो, तो उसे कहते हैं प्यूट्रेड. और एक प्यूट्रेड का मतलब होता है जो बहुत खराब है, गंदा है, बुरा है, तो उसे भी कहते हैं प्यूट्रेड. नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट का मतलब जो आप काम अपना कल पे छोड़ देते हो, अपना काम को आप कल पे छोड़ देते हो, आप उस काम को बार बार टालते रहते हो, तो उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट. आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको उस काम को करना में डिफिकल्टी हो रही है, या आप लेजी हो, या उस काम को आप करना नहीं चाहते हो, तो उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट. नेक्स्ट वर्ड था हमारा पीटेंट. पीटेंट मतलब जो किसी आदमी का छोटी छोटी गलतियाँ निकालता रहता हो, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इसलिए वो दूसरों की गलतियाँ निकालता रहता हो, दूसरों को परेशान भी करते रहता हो, तो उसे कहते हैं पीटेंट. आप गलतियाँ निकालते हो तो परेशान ही नहीं कर रहा, छोटे छोटे गलतियाँ निकाल के, तो वो का पीटेंट. नेक्स्ट वर्ड था हमारा फिल्टर. फिल्टर मतलब जो अपना मनी, टाइम, एनर्जी वेस्ट करता हो छोटी छोटी चीज़ों पे, जो उसे नहीं करना चाहिए, वो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो मतलब अब देखो ये गेम में अपना टाइम, मनी, पैसा वेस्ट कर रहा है, तो ये जो अपना मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसमें वो अपना टाइम, मनी, पैसा वेस्ट करता है, तो उसे कहते हैं फिल्टर. सो गाइज हमने 7 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए. एक बार वीडियो पॉज करके एक बार इसे एक बार रिवाइज भी कर लो, आपके लिए बहुत बेटर होगा. एंड जो मैंने प्रीवियस क्लास में वर्ड डिस्कस किया था, एक बार आप उससे भी रिवाइज कर लो. ओके रिवाइज करने से एक बार माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा ना, तो अच्छे से याद रहेगा. ओके एंड गाइज जो मैंने बहुत मेहनत करके सारे वीडियोज बनाए हैं, उसमें से ये 5 वर्ड्स जो मैंने पिकअप किए हैं, आप एक बार इसे भी रिवाइज कर लो. अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं याद है तो गाइस प्लीज़ रिवाइज दिस वर्ड्स. मैं सारे के वर्ड्स का आपको लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप में पहले देखा होगा वीडियो, तो आई एम श्योर आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद होंगे. नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, आप वीडियोज देखना, आपको फिर से अच्छे से याद हो जाएगा. ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड गाइज इफ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. एंड आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर देना. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस देखो ये जो ऑल न्यू वोकैबुलरीज का आइकन, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं वीडियोज़ डेली में वोकैबुलरीज वीडियोज़ डालता ही रहता हूँ, तो आपको आप डेली 7 वर्ड्स ईजिली आराम से ट्रिक के साथ याद रख सकते हो. और आप इसे डेली करोगे तो आप आई एम श्योर आप बहुत ही जल्द